अच्छा अब वक्त आ चुका है 500 की दौड़ खेलने का। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे स्टूडेंट गेस्ट मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा मरियम और मुबीन से कि वो आए और मुझे स्टेज पर ज्वाइन करें। तालियां होनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी से आए मरियम और मुबीन। क्या है मुबीन? वेलकम टू हारना मनाए। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वेलकम टू हारना मनाए। जल्दी जल्दी आप लोगों के फॉर्म्स पढ़ूंगा, आप दोनों फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पढ़ लें। क्रेजीएस्ट चीज मरियम आपसे पूछा गया तो आपने कहा फक्की का लालच दिया टीचर को। फक्की क्या है? ये कोई नशे की चीज है क्या है? नहीं, बिकॉज मेरे ना पेपर्स थे और पेपर जब मेरे स्टार्ट हुए तो मैंने पेपर से पहले बुक ली और रात को बुक ली मैंने। बहुत पहले ले ली। रात को बुक ली मैंने और मैंने पूरा तकरीबन जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई मैंने तब से उसकी कोई क्लास नहीं ली। मैथ्स का मेरा पेपर था और मेरे टीचर को बहुत शौक था पतला होने का, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। तो फिर उनको मैंने दिया फकी का लालच के आप पतली हो जाएंगी, आप मेरा पेपर करवाएं, मैं आपको फकी दूंगी। और ये मेरी फकी का जो है वो लालच था जो मेरे पेपर भी मुझे पास करवा गया और टीचर भी मेरी खुश हो गई और आज तक वो फकी उनको नहीं मिली। बहुत आला मरियम, बहुत बेटा, तुम तैयार हो पॉलिटिक्स के लिए। और आज वो टीचर कहती होगी मुझे फकी दे गई वो फकी। अच्छा भाई, तुमने कहा कि तुमने अपनी एकेडमी में पुलिस बुला ली क्योंकि कोविड डेज में ऑफ नहीं मिली। एग्जैक्टली। असल में सीन ये हुआ था कि एकेडमी थे हम लोग, स्टूडेंट्स जो थे मेरे, जो कुछ दोस्त थे हम लोग जो है ना स्टडी करना नहीं चाह रहे थे। कोविड के डेज थे, सब तमाम एकेडमीज बंद थी और उन्होंने एकेडमी चुप करके खोली हुई थी। तो मेरे एक दोस्त ने बाहर गया और उसने देखा कि डॉल्फिन पुलिस फिर रही है लाहौर में, तो वो उनको कह के ले आया। कहता है अंदर दो तीन स्टूडेंट्स को कोरोना भी हुआ है और इन्होंने एकेडमी चुप करके खोली हुई है। तो उसने बड़ी गद्दारी की एकेडमी के साथ, लेकिन हमें छुट्टियां मिल गई। वेरी गुड, छुट्टियां इंपॉर्टेंट है, ये एकेडमी गद्दारियां चलती रहती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम पीएसएल का टिकट जीत गए तो किसके साथ जाओ? देखिए, अगर मैं पीएसएल का टिकट जीता तो मैं सबसे पहले मेरे एक दोस्त हैं हमजा रजाक, मैं उनके साथ जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले उनके साथ चले। अगर वो नहीं गए तो मोहसिन के साथ चला जाऊंगा। अगर कोई भी नहीं गया तो मैं सोचूंगा कि आपके साथ चला जाऊं। जब कोई ना मिले तो मिलेगा ही नहीं पीएसएल का टिकट। तुम किसके साथ जाओगी मरियम? पहले तो ये कि अगर मुझे पीएसएल का मिल जाता है टिकट, या तो मैं अपने फ्रेंड्स को भेज दूंगी या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाऊंगी। जी बहुत अच्छी, बड़ा बहुत अच्छा। तुमने पूछा कि अकेले आइलैंड पे फंस गए तो किसके साथ फंसोगे? तुमने कहा इमरान खान के साथ। एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि इमरान खान के साथ अगर मैं फंस गया तो उनके साथ अवाम इतनी है कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, सारी अवाम भी मेरे साथ आ जाएगी। वाह वेरी गुड। और या तो तुम्हें इस्लामाबाद पुलिस लेने आ जाएगी, कहीं ना कहीं से बच जाओगे। मरियम, अगर आप आइलैंड पे फंसना चाहें तो आपने कहा फलक शब्बीर के साथ फंसना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो मेरा क्रश भी है और दूसरी बात ये कि अगर वो मेरे साथ उस आइलैंड पे फंसते हैं, एक तो वो हम्बल पर्सन है, दूसरा ये कि मुझे बोर में होती है तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ। बात सुना, अकेले आइलैंड में फंसोगी ना तो हम ह्यूमिलिटी का कुछ उखाड़ नहीं पाओगी। वहाँ बचना है, कोई नारियल तोड़ने वाला शख्स, कोई फिजिकली फिट लड़का चाहिए होगा तुम्हें। वो सब कुछ कर लेंगे ना, म्यूजिक। एक तो इंसान को अकेला होता बोर हो रहा होता है और वो बहुत सारी टेंशन होती है जब आप इसीलिए तो फंस रहे होंगे, वो तुम्हें एंटरटेन करते रहे। वो म्यूजिक वहाँ पे म्यूजिक सुन के बंदा टाइम। मुनीत, तुम किसकी टीम में जाना चाहोगे? मैं मरियम नफीस की। और तुम एक काम करो, मैंने सुना तुम मिमिक्री से अच्छी करते हो, तुम बिलावल के स्टाइल में इनसे गुजारिश करो कि मुझे तुम्हें टीम में ले ले। चलो शाबाश मेरे पाकिस्तानियों। मैं आज इस शो में मरियम नफीस की टीम में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बाकी टीमों की कांपे टांग जाए। आज मरियम आपसे गुजारिश करूंगा यासिर शाह के साथ आप जाके खड़ी हो जाए और हम जाएंगे ब्रेक के साथ। खवातीन आजाद, एक लीजिएगा ब्रेक, वापस आइए। हार रहे मनाए कहीं नहीं जाए। खवातीन आजाद, वेलकम बैक टू हारना मनाए, प्रेजेंटेड बाय कोकोला, ऑल पर्स पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी एंड डॉलर्स। वक्त आ गया 500 की दौड़ खेलने का। मुबीन और मरियम हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल परसेंटेज बेस्ड है, इसको परसेंटेज की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देना है। कितने फीसद लोग बात बदलने के लिए फोन कॉल का बहाना करके महफिल से उठ जाते हैं? ये होता है ना, हाँ एक सेकंड आया यूं निकल गए। कितने लोग फीसद ये लोग करते होंगे? अली भाई आप कभी इस तरह टॉपिक रखे गए? एक दो मरतबा किया होगा। आपको लगता है लोग करते होंगे? आप तो शरीफ आदमी। लोग करते हैं, लोग करते हैं। यासिर भाई आप कभी उठ के गए महफिल से? महफिल से काफी दफा इस तरह हो कि मुझे कॉल आई है, असली में आई है, बहाना नहीं किया आपने। हाँ भाई मरियम तुम करती हो, मैं तुम्हें एक दो बार देखा है। हाँ भाई तुम, मुबीन मेरा ख्याल है 75% लोग इस तरह करते हैं। तुम्हारा ख्याल है 75% लोग इस तरह करते हैं। और मरियम तुम्हारा क्या ख्याल है? 60 से 65%। लेकिन हम अपनी परसेंटेज ये नहीं दे रहे, हम थोड़ी सी कम कर रहे हैं। हाँ बोलो क्या दे रही हो तुम?
आपने पूछा था कि तुम क्या समझते हो, उनको लगा कि हमने लॉक करवा दिया, व्हिच वाज नॉट राइट। उसकी लास्ट कॉल है, वो बताएगा बेटा। मम्मी बता दिया था ना 45। और हल्के हो तुम यार। मरियम तुम किस चालू 53 पे लॉक कीजिएगा मरियम को, मरियम नफीस को, नहीं सॉरी मरियम को और मुबीन को लॉक कीजिएगा 45 पे। और भाई भाई ऐसे आजकल के यूथ जो है ना फुल जो है ना रजी भाई टाइप सिचुएशन की हुई है उन्होंने। आवाम की राय है, अबे इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आ रही। 37% बहुत आला भाई, तुम बहुत रोते हो यार इसमें। जीत गए मरियम, तुम जीत गए। इधर देखो यार अगला सवाल पूछ लो, कितने फीसद मर्द औरतों को इंप्रेस करने के लिए स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं? कितने फीसद मर्द ये काम करते हो? अली भाई आप ही करते हैं? क्या सिर्फ आपने कभी ऊपर किया? नहीं। मुबीन बेटा नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा। नहीं ऐसे नहीं हूं तो मैं ही हूं वो, मेरे ही अंदर कमी है। मरियम तुम्हें क्या लगता है लड़के करते होंगे ऐसा? हाँ थोड़े से। नहीं ना कहाँ करते होंगे, करते हैं। यासिर भाई आपको लगता है लड़के यूं करते होंगे लड़की आ रही है? कुछ लड़के करते हैं नहीं, इसलिए नहीं करते होंगे लड़की आ रही। सवाल ही यही है कि लड़कियों को मुतासिर करने के लिए कम परसेंटेज। अरे लड़की आ रही है स्पीड ऊपर कर। नो नो देयर आर टू फैक्टर्स टू इट। कुछ लड़के वैसे ही कैजुअली उनको पता होता है कि लड़कियों को पसंद है स्लीव्स ऊपर। हां सो प्रोबब्ली दैट्स व्हाई। ठीक है मरियम, आप एज अ लड़की आपको पसंद है? कह सकते हैं कि जिनकी बॉडी शॉर्टी बनी हो, वेन्स वगैरह नजर आती है उनका फिर करना अच्छा लगता है कि भाई अच्छी लगती है। यानी ये कोशिश ना करें। ठीक है वेन्स वेन्स नजर आ रही है वेन्स। मैंने पहले बताया था इसलिए मुझसे नहीं पूछना। जोर नहीं करने लग जाना यार। चलो भाई तो परसेंटेज दे दो बेटा मरियम। शाबाश 43 पे मरियम को लॉक कीजिएगा। हाँ बेटा कोई तुम्हारी अपनी से है या इन्हीं के कहने में जाओगे? नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ बिल्कुल। बोलो बोलो 25-30% 25 लॉक कर दो। 25 पे मरियम को लॉक कीजिएगा और मरियम जो यासिर शाह के साथ खड़ी उनको 43 पे लॉक कीजिएगा। इधर दिखा दो बेटा, वहां से नजर ही नहीं आ रहा मुझे। आवाम की राय 31% मरियम वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला। आप जीत गए यासिर भाई, एक मुस्कुराहट थी, इस पे शक था क्यों? नहीं नहीं शक तो नहीं, हम हार को भी सेलिब्रेट करते, कोई मसला नहीं। कोई नहीं जीतते तो कोई मसला। अच्छा यासिर भाई आज अगर आप जीत गए ना, आपने वाली स्लाइड मारनी है इधर। यहां पे क्या वो यासिर भाई का रिवायती रक्स है हमारे पास अभी भी? निकालो बेटा यासिर भाई, सेलिब्रेट किस तरह करेंगे हम दिखाएंगे। अच्छा अगला सवाल बजर राउंड है, उंगलियां रख लें, बजरों पे रख लें। दुनिया का अमीर तरीन इंसान इस वक्त कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट या बिल गेट्स? दिखाइए ऑप्शन। Option C is the right answer. नहीं, really? No. तालियां बजाओ यार, सही आंसर है। अली भाई आपको क्यों ऐसा हंस इस बात पे रहा हूं, उनको कह दो नाम ले लें ऑप्शन सी का, मैं मान लो बर्नार्ड। ऐसा यहां से बता दो ना, आप ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ऑप्शन सी, ये इस पे मुझे तकलीफ है। मुझे बताओ आपको इतनी इंफॉर्मेशन कैसी है? हाँ अभी मैं करूँ शक, हमेशा बी सी में आंसर देते हैं, नाम नहीं बता रहे। अच्छा चलो मास्क कह दे यार, सवाल बजरों पे होंगे यासिर भाई। अली भाई वैसे मुझे डाउट है, बजर पे होंगे। आप हर वक्त डाउट क्यों रहता है? नहीं नहीं मुझे आंसर पे डाउट है। बड़ा स्क्रीन पे नहीं दिखाना था मैं, बोलना दूं यूट्यूब का आगाज किस साल हुआ मरियम? 2005 इज द राइट आंसर। प्लीज मेरे सामने हुआ था, मतलब आई वाज ये वहां बैठी हुई थी जब वो यूट्यूब का आगाज कर रहे थे, ये वो कह रही थी कब खाना पड़ेगा और कब इस पे नहीं हुआ इनको। तुम्हारे सामने कैसे हुआ, क्यों झूठ बोल रही? क्या मतलब है यार? तुम्हारे सामने कैसे हो सकते हो, तुम क्या अमेरिका में मौजूद? I was a teenager. No, as in like I was part of the all the thing. अच्छा part थी तुम उस team का? मतलब you know when it happened. तुम पहली वीडियो किसने लगाई थी YouTube पे, बता दो। मैं मान ये मुझे नहीं पता। ये कैसे पता तुम्हारे सामने आवाज हुआ? जावेद नाम था उनका जिन्होंने लगाई थी। जावेद नाम था उनका जिन्होंने लगाई थी। जावेद हाँ, वन ऑफ द फाउंडर्स भी थे वो, यूट्यूब की इनिशियल टीम में भी थे। वाकई में जू की वीडियो बेटा निकाल के दिखाओ। टीम काउंट करें ना उनको, छोड़ दो सही बात है। अब ब्रेक में दिखा दूंगा वीडियो। खवातीन आदाब, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हारना मना है, कहीं नहीं जाए।
अगला सवाल खाका देखकर बताइए किसका है। लगाओ भाई खाका लगाओ। मरियम नफीस। लंदन नहीं जाऊंगा। नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं मूवी का नहीं खाका किसका है कौन? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इज द राइट आंसर। और नीचे कौन है? घोड़ा। घोड़ा हॉर्स विद हुमायूं सईद। वेरी नाइस। अगला सवाल आपने देखना है और बताना है कि ये कौन है। दिखाइए खाका। मरियम नफीस बताओ जल्दी बताओ। बग्स बनी। सवाल ये नहीं बग्स बनी का असली नाम बताना है। अगला सवाल बहुत अच्छा खेल लिया आसिफ भाई। अच्छा ये अच्छा हुआ बग्स बनी मैं शबर जैदी समझ रहा था। क्या समझ रहा था? पहले बताया गाजर। अगला सवाल ट्रू और फॉल्स उस पे हाथ रख ले। टॉयलेट सीट से ये लड़कों की तवज्जो चाहूंगा। टॉयलेट सीट से 9000 गुना ज्यादा जर्म्स हमारे स्मार्टफोन पर होते हैं। ट्रू इज द राइट आंसर। तुमने देर तक बजाया पहले उन्होंने बजाया। ट्रू इज द राइट आंसर। तो सच्ची बात पूछो पीछे यार यासिर भाई यासिर भाई आपको सवाल आ गया था। जब आपको ये चीज पता है कि 9000 गुना ज्यादा जर्म्स है आप कभी यहाँ लगा के रखते हो कभी यूं बात कर रहे होते हो? वॉशरूम में बात नहीं करता। अरे टॉयलेट से ज्यादा जर्म्स ऑलरेडी है स्मार्टफोन पे। मरियम आपको पता थी इन्फॉर्मेशन? आपको ही पता थी ना तब भी आप हाथ में लिए घूमती रहती हैं। तो कहाँ क्या करूं? इसने अली भाई आप भी खेल रहे हो पता है? मतलब मजाल है। इन्होंने ट्रिक ये पकड़ी हुई है कि अभी सवाल पूरा होता नहीं है और तो ये आप भी बजा दिया करो। बजर बजा के कुछ भी कह देते हैं। आप भी बजा दिया करो। जवाब कौन देगा? आप बजा दिया करो। अगला सवाल ट्रू और फॉल्स। ट्रू जो भी आएगा राइट आंसर। ये 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 देखो ना अब मुझे तरीका रात में भाई हूँ नहीं बिल्कुल ठीक है। ये तो बिल्कुल ये हद कर दी। बहरहाल सवाल इधर चांद पर गोल्फ खेली गई है या नहीं आपने कहा ट्रू यानी खेली गई है। खेली गई है अच्छा हाँ चांद पर गोल्फ जाहिर बात है किसी एस्ट्रोनॉट ने खेली होगी उसने बस मारी और बॉल अभी तक पड़ी गई वहां पर। कहाँ जाएगी वहां पर रक्षा आंटी थोड़ी होती है मोहल्ले की बॉल नहीं दूंगी पड़ी हुई है बॉल। अच्छा अगला सवाल वो क्या चीज है जो आपको मंजिल तक लेके जाती है? पहले रोड। रोड इज द राइट आंसर। मंजिल तक लेके जाती है रोड। रोड कैसे पता है आपने? यार रोड लेके जाती है ना रोड में जाते हैं ना मंजिल तक। बोला आउट नहीं है कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो हुआ नहीं है नया पता नहीं। जब ये लोग सही करते हैं तो ये सही है। एक मिनट मैं सही। ये आईक्यू का क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ। मरियम सच में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मैं नहीं कर सकता। ये मेरे हाथ में नहीं है। यासिर भाई ने सड़क कैसे कहा? यार ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ। वो भाई मंजिल तक लेके जाते हैं ना। जब आप मंजिल पे जाते सड़क नहीं जाते ना। डिस्कार्ड है। किस चीज पे जाना? डिस्कार्ड मैं नहीं कर सकता। या अल्लाह चढ़ाई मत सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई मत करो। ये कोई बात नहीं हुई कि फैसला अपने मर्जी का आया तो वाह वाह। हाँ। ना सवाल पूरा आपने बोला। हाँ। ना वहां पर आया। हाँ। इन्होंने कैसे सड़क बोल दिया यार? उन सवाल पूरा उसके बाद मुझे बता। और वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ना वहां पर आया ना आपने पूरा बोला। आप ठीक कह रही हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमले नहीं करो नहीं खुद सही जवाब देती है तो तब तो कुछ नहीं कहती। ये जब ये बड़ा जूम करना मेरे को नाखून का निशान पड़े जूम कर लो मैं विक्टिम बन जाता। 2005 का तो आपको पता था। ऐसा करें आप मेरी तरफ से दो टिकट्स इनको वैसे ही दे दें। बहुत आला बेटा ताबिश आपकी तरफ से तो बांट रहे खवातीन आजाद। देखो मैं बात सुनो इस डिस्प्यूट को मैं हल करता हूं। खवातीन आजाद आप लोग ब्रेक लो मैं जख्मी हूं। मरियम ने नाखून मारा पहले नोट करते रहो सब। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। हारना मना कह नहीं जाएगा बाकी लगे वेलकम बैक टू हारना मना है। वो कौन सी चीज है जो आपको रास्ते तक मंजिल तक पहुंचा देती है मगर खुद अपनी जगह खड़ी रहती है? यासिर शाह ने बगैर सुने कहा सड़क। सही जवाब था यासिर भाई। मैं वापस नहीं ले सकता मजबूरी है मेरी। अगला सवाल वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से आगे है? यासिर अली भाई पाकिस्तान अमेरिका से आगे है आगे है झूठ बोल रहे
वक्त मैं गलत हूँ? वक्त में आगे है पाकिस्तान अमेरिका से, वक्त में आगे है आइंस्टाइन, न्यूटन और कौन कौन थे, टेस्ला और साइंटिस्ट, गलीलो पलीलो सब कचरा। यासिर शाह है नॉलेज का हब, नॉलेज हब यासिर शाह। Very obvious. नहीं तो मेरा भी गलत तो नहीं है यहाँ, ज्यादा हम लोग ज्यादा झूठ। अगला सवाल यासिर भाई, अगला सवाल है आपके पास, पहले जवाब है तो दे दे। क्या मुझे क्या आप ये बता देंगे ट्रू फॉल्स है या आंसर है? आंसर है ना यार। अच्छा। वक्त में आगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का, ये बहुत मुश्किल सवाल है भाई, अपनी अपनी उंगलियां तैयार रखें। पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद शहर है जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? 15 नुक्ते, नुक्ते पता है आपको क्या होते हैं? चीचू की बतियां, चीचू की बतियां, चीचा बतनी नहीं, चीचा बतनी। हाफिजाबाद, हाफिजाबाद में तो बहुत कम नुक्ते लगे, 15 नुक्ते। आवाज आई है क्राउड से कहीं? कैंसिल हो गया, पूरा नाम लेना पड़ेगा। पाक पतन शरीफ इज द राइट आंसर। ये दोनों ने बताया पूरा नाम इसको पता था, पाक पतन शरीफ, 15 नुक्ते आते। अब अच्छा आपने जो आप जो कर रहे हो यासिर भाई, ठीक है, सही है, ठीक है। अगला सवाल सही है, आपने बताना है ये गोल्फ में ये होल हुआ या नहीं, दिखाई पहले यासिर भाई। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मरियम हुआ, मरियम कह रही है होल इन वन है, यासिर भाई कह रहे हैं नहीं है, दिखाइए। बॉल जा रही है, बॉल जा रही है, बॉल निकलती जा रही है, बॉल जा रही है, बॉल आई, बॉल आती चली गई, बॉल आई, दूसरी बॉल को हल्के से साइड पे किया और मुबारक हो अली भाई, आपके पास सिर्फ 30 नंबर है जो आपने अंधी में दिए थे, लिए थे, वो किसको देंगे? अब मैं मरियम, मरियम नफीस को मजीद 3 नंबर मिले। हाजिर हजरात, आज का विनर कौन है दिखाइए, आज के विनर मरियम नफीस 732 नंबर लेकर कामयाब हुई एक बार फिर, सियासी वजूहात की बिना पर मरियम नफीस जीत गई।